सुबह का नज़ारा कितना अच्छा होता है ना, और हमें धूप में रहना चाहिए ताकि हमारी बॉडी को विटामिन डी मिलता है। मॉर्निंग टाइम तो धूप ज़रूर लेना चाहिए। मैं अपना रूटीन कल से ठीक कर रही हूँ, और मेरे साथ साथ आप सब भी अपना रूटीन ठीक कीजिए। ठीक है, देखिए ग्रीनरी, हवा चल रही है अच्छी अच्छी, तो जाहिर सी बात है कि हमें शुद्ध हवा मिलेगी यहाँ से। इसीलिए ग्रीनरी होनी चाहिए, पेड़ लगाएं और शुद्ध वातावरण पाएं, शुद्ध हवा पाएं। कल बहुत भयंकर बारिश हुई थी, बारिश में देखिए ये जो है ना, मैंने बताया था ना गंदगी जो है वो साफ़ हो जाएगा, पूरा अच्छे तरीके से साफ़ हो गया है। विश्वनाथ जी के सुबह सुबह दर्शन, होप सो आपको दिख रहे होंगे। जिसमें झंडा लहरा रहा है वो नहीं, बीच में देखिए, एक मिनट एकदम जूम किया है ना, ये कुछ बन रहा लग रहा है उसके सामने, इसीलिए ये वाला, ये बीच में जो है ये विश्वनाथ जी हैं। और ये जो है ग्रीन ग्रीन ना, ये जब भी तेज़ हवा चल रही है ये ऊपर उड़ जा रहा है। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है लिविंग टू द ब्लॉग्स, और मेरा नाम है निवेदिता। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपना बहुत ज़्यादा वाला ध्यान रखें। मैं कैसी हूँ मैं ये भी बता दूँ, जैसी थी वैसी ही हूँ। और टेस्ट मैंने करवा लिया, ईसीजी जो करवाना था उसमें भी कुछ नहीं निकला। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि उसमें कुछ निकलता नहीं है, और मैंने दूसरी बार करवाया है तो उसमें भी कुछ निकला नहीं है। मैं जानती हूँ, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ इस चीज़ से निकलने की, लेकिन पेन जो है वो बराबर बना हुआ है। अब कल फिर मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना है, पता है 2 दिन से डॉक्टर के यहाँ जा रही हूँ और पूरा टाइम मेरा इसी में चला जा रहा है। इतनी दूर है, ऊपर से नंबर लगवाओ, फिर नंबर आए, फिर आने जाने में टाइम, फिर थक जाओ आकर के। घर के सारे काम किया है, उसके बाद से फिर पूजा ने खाना बना दिया था, फिर नहाया हुआ है, थोड़ा सा रेस्ट किया है, वीडियो एडिट किया है, अपलोड किया है, फिर आप सभी के कमेंट्स पढ़ रही थी मैं। थैंक यू सो मच आप सभी का। और अभी शाम के टाइम हो चुके हैं, 7 तो बजे गए होंगे मे बी, मुझे ऐसा लगता है। अभी को मैं खाली हुई हूँ क्योंकि कपड़े भी बहुत ज़्यादा थे वॉश करने थे। हाँ 6:55 हो गया है, तो मैं जा रही हूँ अभी दिया जलाने। दिया पहले जला लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप सभी से मिलती हूँ, और कुछ चीज़ मैं लेकर के आई हूँ आप सभी को दिखाऊंगी। आप सब बहुत टाइम से कह रहे थे मेरे लिए ही, तो थोड़ा सा बस मैं दिया जला के आती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप सभी को दिखाती हूँ। मेरी पूजा जो है वो हो गई है। ये देखिए ये ईसीजी है जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ भी नहीं निकला है इसमें। डेट भी देख लीजिए, आज का ही डेट है। ऐसे भी जब मैं गई थी ना तो मैं बना रही थी नॉर्मल ही है, नॉर्मल ही है, तो नॉर्मल है। फिर लोगों ने सजेस्ट किया है, अब कल डॉक्टर के पास भी जाऊंगी, उनको दिखाना तो है ही, रिपोर्ट तो दिखाना ही पड़ेगा। काफ़ी टाइम से मैं योगा भी नहीं कर रही हूँ, और कल से मैं योगा भी स्टार्ट करूँगी, उससे ये इसमें ना हार्ट पेन में और सांस लेने में जो प्रॉब्लम है उससे काफ़ी रिलीफ मिलता है, तो वो भी करना है। और आप सब ने बहुत टाइम से बोला था मेरे से कि एक चीज़ लेने को मैं नहीं ले पा रही थी, पहले मैं दिखाती हूँ आप सभी को, लेकिन फाइनली आज मैंने ले लिया। तो निकल जाओ, क्या है देखिए, ये मेरा हेलमेट। आप में से काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आप हेलमेट नहीं लगाती, पता है क्यों नहीं लगाती हूँ? मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत दूर दूर जाना रहता नहीं है, बहुत पास में ही जाना रहता है। वाशु का स्कूल भी अब इतना पास हो गया कि वॉकिंग डिस्टेंस है, मैं बाइक से जाती ही नहीं हूँ, तो मैक्सिमम मेरी बाइक जो है वो रखी रहती है। लेकिन अभी मैं जब मैं गई तो मुझे कभी ज़रूरत नहीं लगा कि हाँ बिल्कुल रोड पे निकलूँ और जाऊँ तो कि हेलमेट की ज़रूरत पड़े। लेकिन जब मैं डॉक्टर के यहाँ गई तो फिर लगा कि बहुत डिस्टेंस पे है और मुझे लेना चाहिए, और मैं सोच रही थी कि उधर से ही जाऊँगी तो ले लूँगी, काफ़ी सारी अच्छी अच्छी शॉप्स हैं वहाँ पे, तो मैं गई तो आज मैंने इसको ले लिया फाइनली। और अभी पता है मेरी हैबिट है नहीं लगाने की, मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है, अभी लगा नहीं पा रही हूँ मैं। अभी तो झूठा मैंने बनाया हुआ है इसलिए आएगा नहीं अभी पर मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है। मैं जब लगा रही थी मेरे कान ऐसे मुड़ रहे थे, कहते हैं भगवान, और ऊपर से सांस लेने में भी मुझे, तो मैंने कहा कि इसको ऐसे ऊपर करके एटलीस्ट सेफ्टी रहेगा, तो फाइनली मैंने ले लिया अपना हेलमेट। चलिए अब तो ठीक है ना, आप सब बहुत बोलते थे कि हेलमेट नहीं लगाती, हेलमेट नहीं लगाती, दूर जाना नहीं रहता है ना, उस वजह से नहीं लेती थी। बारिश हो रही है क्या? मौसम बहुत अच्छा हुआ है, पता नहीं लग रहा बारिश हो रही है क्या। मैं इसको रख देती हूँ फिर मिलती हूँ। लेकिन हाँ उससे पहले मैं आप सभी को थोड़ा पास से दिखा दूँ कैसा लग रहा है, बहुत स्मार्ट सा है, अच्छा लग रहा है।
ऐसे तो मैं ब्लैक नहीं चाह रही थी, लेकिन उनके पास जो अच्छे में ऑप्शन था वो ब्लैक ही था सारा, तो इस वजह से मुझे ये ब्लैक लेना पड़ा। अब मैं बोल रही थी ये सब लिखा वाला नहीं चाहिए, मुझे प्लेन चाहिए, लेकिन बोल रहे थे इसमें लिखा ही आएगा, धीरे धीरे मिट जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, और ये वाला भी मिट जाएगा तो अच्छा रहेगा। कैसा लग रहा है मेरा हेलमेट, अच्छा है ना? बारिश नहीं हो रही है, मेरा जो लड़का है ना वही पानी डाल रहा है। मिलवाती हूँ मैं, आजकल कीड़े आने लगे हैं घर में जो छोटे छोटे होते हैं ना बारिश में। क्या कर रहे हो आशु, मौसम कितना अच्छा हुआ है। जो पानी की जरूरत नहीं थी, मौसम ऐसे अच्छा हुआ है, क्यों पानी डाल रहे हो? धो रहा हूँ। धुल रहे हो तो पानी डालने की क्या जरूरत है? देखो जरा इस लड़के को, बस करो, हो गया, ज्यादा नहीं करो क्योंकि ऑलरेडी मौसम अच्छा है ना। बालकनी साफ करने को मैं ही बोलती हूँ, लेकिन तुमको थोड़ी बोलती हूँ, वो तो मैं करती हूँ ना। हाँ बेटू, लेकिन मौसम अच्छा है ना, इस वजह से मत करो, रहने दो, छोड़ दो, है ना? चलो अच्छी बात है। कौन है? मम्मा लग रहा स्लीपर आंटी के लिए आई है। हाँ तो छोड़ दिया होगा तुमने आंटी के यहाँ। अंधेरा है, कितना ब्लैक ब्लैक आ रहा है। नहीं आंटी और शुभी गए हुए हैं कहीं काम से, आएंगे तब। चेयर भी तुमने भी वो दिया, किस पे बैठूँ मैं? मैं आई हूँ दीदी के यहाँ, और सुबह यहाँ पे कर रही थी काम पूरा, सोफा सेट किए, कोई गेस्ट इसके यहाँ आने वाले हैं। क्या हुआ ब्रूनो? बस बस, चूहा देख लिया? हाँ। ये लड़का भी आ गया मेरे पीछे पीछे, आज कुछ है जिसकी प्लानिंग चल रही है। अब प्लानिंग जब हो जाएगी तो मैं आपसे भी से जरूर बताऊंगी। देखिए हम लोग के थ्री हेड आ गए, देखिए हम लोग के थ्री हेड आ गए, एक मम्मा है, एक शुभ दीदी हेड और एक बाचू हेड। हाँ ठीक है, अभी हम लोग आपको बताएंगे क्या है, ठीक है? आपके साथ ही हम करेंगे जो भी करना होगा। देखिए मैं आज ट्राई करना चाह रही थी डोसा, दीदी बना रही है, शुभ टेस्ट की है, बोल रही है काफी अच्छा बनाई है, गिरना मत बस। ये है सांबर, सांबर खुशबू अच्छी आ रही है। ये इसका जो ये प्लेन पेपर, नहीं नहीं ये तो आलू ही बोलेंगे ना, सो ये आलू, और ये अगेन डोसा, ये इसका मिक्सचर। वाशु देखिए लाइफ में पहली बार खा रहे हैं डोसा, वो भी दीदी के हाथ से। मैं बोला है सारे चीजें ठीक से बंद कर देते हैं, इसकी आदत है, गलती से काली निकल गया। अच्छा खा लो खा लो, ये वाकई मैजिक हो गया। मैंने इसको थोड़ा सा लेने के बाद पानी, ये यहाँ पे पूजा भी खा रही है, और ये शुभी, शुभी खा रही है। ये तीनों लोग लगे हुए हैं अपनी ड्यूटी में खाने में, और मैं भी लाइफ में पहली बार डोसा ट्राई कर रही हूँ, पलटना मुझे आता नहीं है। कालो कालो, वाशु को सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बाकी का पता नहीं। हाँ वाशु को सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं केक के लिए जगह बच जाएगा, ये डोसा जो है मैंने बनाया है। लो शुभी तुम्हारा, लाइफ का पहला डोसा वाशु का, कैसा लगा? आंटी के हाथ का सुपर अच्छा था, कभी लड़का नहीं खाता था, आज पहली बार खाया वो दीदी की वजह से। हाँ वे दो, वेरी गुड, कीप इट अप वाशु, बड़ा हो रहा है। हाँ हाँ रहेगा, ठीक है चलो, अच्छा लगा ना? गुड। और ये हैं वाशु, और दीदी कहाँ रह गई? अनीश और पूजा और शुभी और दीदी गायब हैं, बुलाओ यार जल्दी बुलाओ, हम लोग को भेज के अपने रह गई। और आज केक क्यों आया है? क्योंकि एनिवर्सरी है, किसका? लक्की मासी का, लक्की मासी का इनके फर्स्ट एनिवर्सरी है, मेरी सिस्टर का, तो और हमारा केक भी खाने का मन हो रहा था, एनिवर्सरी है तो उसी के लिए अभी हम लोग नीचे से ऊपर आए हैं, डोसा वोसा खा करके मैंने सबको बना के खिलाया बना के खिलाया, मतलब
दीदी ने ही सब किया, बस मैं एक दो बार मैं ट्राई कर रही थी कि सही बन पा रहा है कि नहीं, तो दो चार बनाए मैंने। दीदी को पहले जल्दी से बुलाओ। हाँ बड़ा थोड़ा सा ले लेना। बड़ी जल्दी आ गए तुम लोग, बहुत जल्दी आ गए। हाँ कब से वेट कर रही हूँ, वेट करते करते पूजा केक खराब कर दी है। देखो साइड सर, अब क्या होगा हमारा, अब क्या होगा हमारा, वही वाला तुमको दूंगी, साइड वाला अच्छी शिप पे नहीं दूंगी। मैं तो सबसे पहले मुझे मुझे लव चाहिए ये वाला, मुझे तो मुझे चाहिए। हेलो तुम, तो इन लोगों का डील डन हो गया है। ये मैं हेलो लूंगा, दीदी वी इल, ठीक है ठीक है। अच्छे से बैठो आशु, आशु अच्छे से बैठो, आप ले लीजिए हर्ट, आप ले अच्छे से बैठो। ये बात तो हो गया यार, हर्ट मत दो, बहुत हर्ट हो रहा है ऑलरेडी। ये कौन सा हेलो, वो ले लेंगी, बाकी केक अनीश का, चलो ठीक है तुम ले लेना। तो चलिए कट करते हैं वाशु जी, ठीक है चलो आगे क्या बोलोगे, चलो कट करो। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। चलो सभी लोग एनिवर्सरी विश कर दो। हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। चलो पीछे से दीदी आप भी कर दीजिए, मम्मा आप भी कर दीजिए विश। हैप्पी एनिवर्सरी लकी, आपको और आशीष जी को भी। हाँ दोनों लोगों को हैप्पी एनिवर्सरी। चलो अब ये लव का बंटवारा हो रहा है, रुक जाओ रुक जाओ। सभी के लिए केक लीजिए, आप सब खा लीजिए। मेरे हाथ में केक है, एक हाथ में कैमरा है, तो मैं खिला नहीं सकती, तो मैंने कहा सुबह तुम ही खिला दो। ठीक है बताइए आप सभी कैसा लगा केक। पूरा नहीं ऐसे दिखाना है, मना कर रहे हैं पूरा नहीं दिखाना है। अभी सब लोग गए नीचे और अब हमारा भी सोने का टाइम हो गया है। मुझे उम्मीद नहीं है ब्लॉग कितना बड़ा है कितना बड़ा नहीं है, बट जितना भी बड़ा होगा मैं अपलोड कर दूंगी। मेरी सिस्टर का आज फर्स्ट एनिवर्सरी था, तो आप सभी ब्लेसिंग दे दीजिएगा कि उसकी लाइफ बहुत अच्छी रहे। और क्या, और दूसरे चैनल पे भी आ जाइए, उस पर भी हम एक्टिव हो गए हैं निवाशूस पे। मेरी इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगी, आप सब बहुत पूछते हैं, लेकिन मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगी ताकि आप सभी को इजीली मिल जाए। तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए जल्दी जल्दी, ठीक है ना। और आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, मैं यहीं पर वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपना ध्यान रखिएगा। और इस लड़के को देखिए क्या कर रहा है, छिप रहा है। बाय बाय कर दो, गुड नाइट करना है, बाय बाय करो, सोना है, मुझे नींद आ रही है। मैं मेडिसिन अभी अपने हाथ में लेके मेडिसिन बैठी हुई हूँ, खाना है मुझे। और मेरी तरफ से गुड नाइट, गुड नाइट जी। अपना हाफ फेस दिखा रहा है, गुड नाइट। आप एक बार दिखाइए, नहीं इधर से कैमरा है ना, इधर से कोई और पकड़ेगा तब से आएगा, तुम ऐसे नहीं होगा, मेरा फेस ही कट जाएगा, देखो ऐसे समझ में ही नहीं आएगा। चलिए ठीक है, बाय बाय, बाय बाय, तो घूमो जल्दी, बाय 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 बाय।